Hi Am I audible visible Hi everyone Hi everyone Am I audible visible Uh सो so, ये सेशन मैं सिर्फ फ्रॉक के लिए रखूँगी नीट दो हज़ार बाईस में सिर्फ तीन चार दिन रह गए हैं हालाँकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक्स नहीं कवर हुए हैं उनमें से मैक्सिमम जो हो सकता है वो मैं इस वक्त कर दूँ चाहे कैसे भी करके हो जाए So, इस क्लास में मैंने कहा था कि मैं अर्थवॉम और फ्रॉक दोनों कराऊंगी तो मैं अभी अर्थवॉम के नोट्स नहीं बना पाई हूं तो मैंने फ्रॉक के नोट्स बना दिए हैं तो फ्रॉक को ध्यान से सुन लो देखो आ, वैसे तो फ्रॉक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन क्या होता है आ, दोनों ही वर्टिब्रेट हैं ह्यूमन और फ्रॉक दोनों ही वर्टिब्रेट हैं तो ह्यूमन और फ्रॉग के जो डिफरेंसेस है ना उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि ह्यूमंस के आर बी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं लेकिन फ्रॉग के आर जो होते हैं वो न्यूक्टिड होते हैं ठीक है ह्यूमन का हार्ट फोर चेम्बर्ड होता है फ्रॉग का हार्ट थ्री चेम्बर्ड होता है देन फ्रॉग के पास दो अलग से चेम्बर्स होते हैं साइनस विनोसिस एंड कॉनस आर्ट्रियोसिस ह्यूमन के पास नहीं होते तो जो डिफरेंसेस है ना उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान से सुनेंगे कुछ पार्ट्स हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे हैं जैसे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें ऑलमोस्ट ह्यूमंस जैसा है अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा है तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्वेश्चन उस पर आएंगे मेरे अनुसार जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जैसे कि क्लोएका वाला जो पार्ट है ठीक है जैसे कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट चलो आओ शुरू करते हैं डमी का प्लस uh, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी 2023 के बैचेस के लिए शुरू हो चुका है जिसमें 22 जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट होगा वहां पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड आर आई टी यू ऋतु डालकर चलिए स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है ये तो तुम आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते कि भैया का साइंटिफिक नाम क्या है वो तो में पढ़ चुके अर्थवॉर्म का और कॉकरोच का क्लासिफिकेशन प्रॉपरली आनी चाहिए ठीक है साइंटिफिक नेम है इसका राना टिग्रीना ठीक है जिसमें राना जीनस है और स्पेसिफिक एपिथेट है टिग्रीना क्लास है इसकी एम्फ्यूब एम्फीबिया ठीक है फाइलम है इसका कॉडाटा और किंगडम है एनिमेलिया अब फाइलम से आगे और भी चीजें हैं सब फ़ाइलम क्या है वर्टिब्रेटा देन सुपर क्लास टेट्रापोडा ये सब भी तुम्हें पता होना चाहिए सुपर क्लास क्या है क्लास से पहले सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा ये अपन एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं ना देन उससे पहले सब फाइलम वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा तो मैं अगर बड़े से छोटे में नंबरिंग करूं तो सबसे पहले एनिमेलिया देन फाइलम कोडेटा देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा देन सुपर क्लास टेट्रापोडा देन क्लास एम्फीबिया देन जीनस राना एंड देन स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रीना ये सारी बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए ध्यान से पता होनी चाहिए फ्रॉग्स जो होते हैं वो पोइकिलोथम्स होते हैं एक मेरा ना बहुत ऐसे तैसे फिरी हुए भैया मेरे ऐसे खड़ी भी हुई हो तो ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे हैं मेरे और जुबान तो काप ही रही है बट उस चीज पे ध्यान ना देके अपने को फ्रॉग पे ध्यान देना है क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आ गई तो माई लंका लग जाएगी बिना बात के ठीक है फ्रॉग्स जर पोईकीलोथम्स मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये अब अपने को पता है वार्म ब्लडेड होने का सौभाग्य सिर्फ बर्ड्स के पास है और मैमल्स के पास है ना तो ये बर्ड है ना तो ये मैमल है एमफीबियन रेप्टाइल और फिश बेचारे ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड रह जाते हैं ठीक है ये एम्फीबियंस का मेंबर है एम्फीबिया का मेंबर है मतलब कि ये लैंड में और पानी में दोनों जगह रह सकता है खासकर ये रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होएगी इसकी फीमेल जो एग है वो पानी में रिलीज कर देगी और मेल जो है स्पर्म भी पानी में रिलीज कर देगा एंड वर्टिब्रेट्स में देवर द लास्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स टू डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसके बाद तो इंटरनली शुरू हो गई थी रेप्टीलिया में इंटरनल ठीक है बर्ड्स में इंटरनल मैमल्स में इंटरनल देन शो ज एंड मिमिक्री एनसीआरटी में लाइन गलत दी हुई है घास अगर अगर, uh, में उसी प्रकार से और किसी में जाएगा तो वहां पर भी अपना कलर चेंज कर सकता है सो so, इस एबिलिटी को कामफ्लाज बोलते हैं जब आप अपने इन्वायरमेंट के साथ छुप जाओ लेकिन एनसीआर में लाइन है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिमिक्री जो मेरे हिसाब से सही नहीं है लेकिन एनसीआर टी में दी हुई है तो मैं ऐसा कैसा लिख के ले आयो ठीक है इट शोज बोथ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन होती है समर स्लीप आप देखो कभी भी फ्रॉग आपको ना तो बहुत गर्मी में नजर आएंगे ना बहुत सर्दी में नजर आएंगे क्योंकि वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ही करते हैं ठीक है आगे और हाइबरनेशन एस्टिवेशन ही जाते हैं पानी के नीचे करने के लिए ठीक है पानी के नीचे तो वहां पे सांस कैसे लेते होंगे अगर पानी के नीचे जा रहे हैं तो ये अंडर वाटर भी सांस ले सकते हैं रेस्पिरेशन होती है इनके पास स्किन से सांस ले सकते हैं ठीक है तो जब वैसे रेस्पिरेशन हमेशा होती है चाहे वो बाहर हो चाहे वो पानी के अंदर हो लेकिन जब पानी के अंदर है तो सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है बाहर और भी प्रकार की रेस्पिरेशन होती है जो कि हम बात करेंगे आओ एक बार इतना पढ़ लें एनसीआरटी से पहले फ्रॉग्स कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड फ्रेश वॉटर ऑब्वियसली तू एमफीबिया का मेंबर है तो यही करेगा बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया हमें पता है मोस्ट कॉमन स्पीशी है डे डू नॉट हैचर हमें पता है पोइलोथर्म हो तुम ठीक है सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइलोथर्म्स यू माइट है चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास एंड ऑन ड्राई लैंड

क्यों भैया इस टाइम पे दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज अच्छा एनसीआर डीप बरोज कह रही है वाटर में नहीं कह रही है कोई बात नहीं मैंने वाटर के अंदर पढ़ा था बट इट्स ओके टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड दिस इज नोन एज समर स्लीप एस्टिवेशन जो कि स्नेल्स वगैरह भी करते हैं ना एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन जो कि बियर वगैरह भी करते हैं अगला पार्ट अगर तुम चलोगे फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी पे देखो फ्रॉक की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक ना तो इसकी गर्दन होती नो नेक और ना टेल होती नो टेल ठीक है देन इसके पास आंखें बल्जिंग होती हैं बल्जिंग बल्जिंग क्या होती है बाहर निकली हुई बल्जिंग आईज जब हम कभी नहीं सोते ऐसे बोलते ना क्या मेढक की तरह आंखें हो रखी हैं कि आंखें बाहर को निकली होती हैं इसकी ठीक है बल्जिंग आईज होती है उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन होती है ठीक है जो इन्हें पानी के अंदर देखने में हेल्प करती है सो निकटिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट उसके पीछे एक मेम्ब्रेनस कवर सा होता है इनके पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता लेकिन यहाँ पे टिम्पैनम होता है जो कि इनका हियरिंग में हेल्प करता है सो दिस इज टिम्पैनम इनकी स्किन जो होती है डॉर्सल साइड पे वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है और इरेगुलर कलरेशन होती है और जो बॉटम पे होती है वो येलो होती है मुझे थोड़ा और अच्छे से और येलो बनाना चाहिए था इसकी जो पेट वाली वेंट्रल वाली है दैट इज पेल येलो और जो डॉर्सल वाली है वो ऑलिव ग्रीन है देन जो स्किन है वो हमेशा ही मॉइस्ट रहती है ड्यू टू म्यूकस क्यों क्योंकि इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करनी है ब्रीदिंग करनी है ब्रीदिंग जो है उसके लिए मॉइस्ट स्किन जरूरी है सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है ऑल्सो ये अपनी स्किन से वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं हालांकि वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए मॉइस्ट है ये मैं नहीं कहूँगी मॉइस्ट तो ये रेस्पिरेशन करने के लिए है लेकिन मैंने फिर एक और पॉइंट ऐड कर दिया ये कभी पानी नहीं पीते अपनी स्किन से ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगली बात इनकी हाइंड लिम्स इनकी फोर लिम्स से काफ़ी बड़ी होती हैं और इनको जंपिंग वगैरह में हेल्प करती हैं इनकी जो फोर लिम्स हैं उनके आगे चार ही उंगलियां होती हैं इस तरीके से और जो पीछे वाले उनमें पांच उंगलियां होती हैं एक तो ये बहुत अजीब बात है देन इनकी फिंगर्स जो होती हैं वो वेब्ड होती हैं वेब्स लगे होते हैं जाले ताकि वो इजिली तैर सके ठीक है फोर वेब्ड डिजिट्स ऑफ फोर लिम्स फाइव वेब डिजिट्स ऑफ हाइंड लिम देन इसमें आपको सेक्शुअल डाइमोरफिज्म देखने के लिए मिलती है माने आप मेल और फीमेल को पहचान सकते हो बाहर से देख के मेल के पास देखो वोकल कॉर्ड्स दोनों के पास होती हैं वोकल कॉर्ड जिससे आवाज वो टर, टर की आवाज निकालते हैं लेकिन फीमेल्स की टर टर की आवाज़ आपको नहीं सुनती क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो होती है मेल्स की, जो आपको एक्चुअल में टर टर की आवाज़ सुनाई देती है वो मेल्स की आवाज़ है क्योंकि वेल्स मेल्स के गले में यहाँ पे ऐसे आपको दो पाउचिस से नजर आ जाएंगे जिनको हम वोकल सेक्स बोलते हैं प्रेजेंट ओनली इन मेल्स ये क्या करते हैं वॉइस को रेजोनेट करने का हेल्प करते हैं दे एक्ट एज रेजोनेटर्स साउंड को एम्प्लीफाई कर देते हैं एक्ट एज रेजोनेटर्स ठीक है जी दे तो ये मेल में होते हैं जिस पे की आवाज एम्पलीफाई हो जाए फीमेल में नहीं होता पहला तो ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है देन जब मेल फीमेल के साथ मीटिंग करता है तो वो कुछ इस प्रकार से मीटिंग करता है ये फीमेल फ्रॉग है ठीक है और ये मेल फ्रॉग है ठीक है ये इसको तब तक होल्ड करके रखता है ऐसे ये इसको कई कई दिनों तक होल्ड करके रख सकता है इस प्रकार से ठीक है तो ये इसको तब तक होल्ड करके रखता है जब तक ये अपने एग्स पानी में नहीं रिलीज कर देगी दिस इज वाटर ये सब पानी के अंदर चल रहा है काम दीज आर एग्स तो देर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो जब ऐसा होता है एक्चुअली फिर मेल भी अपने स्पर्म रिलीज कर देता है यहां से और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती है यहां पे, ठीक है तो फीमेल इज स्लिपरी क्योंकि उसकी स्किन भी म्यूकस वाली है मेल इज स्लिपरी तो ये मेल फीमेल को कैसे होल्ड करके रखेगा उसके लिए इसकी फ्रंट हाथ में जो फोर लिम्ब की डिजिट्स हैं उसमें उसकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पे एक रफ पैड होता है जिसको नुपचिल पैड बोलते हैं ये रफ होता है और ये फीमेल को होल्ड करके इसे ग्रिप बनाने में काम आता है अब ये फीमेल के पास तो क्या ही होगा फीमेल ने तो किसी को होल्ड नहीं करना तो ये भी सेक्सुअल डायमोरफिजम का पार्ट है सो so, अगर तुम्हें कभी कोई मेल फ्रॉक दिखे तो उसको कहना शो मी योर फोर हैंड फोर हैंड नहीं शो योर फोर फोरलिम्ब के डिजिट्स तो ऐसे करेगा फिर देखना उसकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहां पे तुम्हें न्यूचुअल पैड नजर आएंगे जो कि मेटिंग सीजन में और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से देखने लगते हैं सो सेक्सुअल डायमोरफिजम में न्यूक्चुअल पैड्स इन मेल्स इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे प्लस वोकल सैक्स ऑल्सो इन मेल्स यही चीजें अब हम पढ़ लें जो मैंने मोर्फॉलोजी पढ़ाई है तुम लोगों को भी हैव यू एवर टच द स्किन स्किन इज स्मूद एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस मतलब ड्राई नहीं है स्किन ड्राई एंड कॉर्निफाइड तो रेप्टाइल्स की होती है या बर्ड्स की होती है बर्ड्स के पास एक ही ग्लैंड है यूरोपाइजल ग्लैंड इन क्या पूरा म्यूकस से लथे पते है ये। ये ये कितना है है ग्रीन और वेंट्रल साइड तुम्हारे देखो। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है अगर कभी आउट ऑफ सिलेबस आने ही लगा तो बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक नो नेक एंड टेल एब्सेंट होते हैं अब माउथ यहाँ पे दो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल होते हैं जो कि मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाना भूल गई दिखाना चाहिए था कहाँ गया मेरा डायग्राम ये रहा ये नौस्ट्रेल। दो नौस्ट्रेल एक एक इधर उस साइड होएगा आईज़ आर बल्ब कवर्ड बाय बाई मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वॉटर

ये वेब्ड नहीं होना चाहिए था फिर तो वेब्ड हटा रही हूं नो वेब्स फ्रॉग एग्जिबिट एक्सिबिट सेक्शुअल

अन्नाठवी में आ जाओ तो इसके बहुत सारे हमें सिस्टम्स देखने हैं जैसे कि डाइजेस्टिव ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स कोई ज़्यादा फर्क नहीं है सर्कुलेटरी में फर्क है इनका थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है रेस्पिरेटरी में तो बहुत फर्क है नर्वस में ज़्यादा फर्क नहीं है एक्सक्रेटरी में फर्क है रिप्रोडक्टिव में फर्क है तो जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे जैसे नर्वस सिस्टम उसमें मैं कोई डिटेल में फ्रॉक का ब्रेन पढ़ाऊंगी नहीं तो मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं आएगा वहाँ से ठीक है पर जो एनसीईआरटी में दिया उतना जरूर लिख लिख के पढ़ लेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री ग्लैंड जस्ट लाइक हमारा एक एलिमेंट्री है उसके साइड साइड में ग्लैंड लगे होते हैं वैसे इनके भी ग्लैंड लगे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज एलिमेंट्री है और ये पीवाई क्यू भी है्यूमन ओमनिवर्स है, Humans, omnivores है. हमारी जो जो भी खास वगैरह जो मतलब जो भी हरबी वोर होता है ना उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ ज्यादा होती है एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज्यादा होती है ठीक है जो भी कार्नी वोर होगा उसका एलिमेंट्री कैनाल हमेशा छोटा होगा ये बात ध्यान रखना फ्रॉग्स आर कार्वोर सो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट ठीक है ये क्वेश्चन आया था लोब्ड टंग होती है तो अगर

ह्यूमंस में होता है मतलब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारे इसमें दिखाई नहीं है क्या कहते हैं एनसीईआरटी में तो बस सीधा इंटेस्टाइन मतलब लार्ज और स्मॉल में डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ बस इंटेस्टाइन दिखाई हुई है और पहले पार्ट को डोडनम कहा हुआ है लास्ट में रेक्टम अब क्या है जैसे ह्यूमंस में क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एंडिंग बिल्कुल अलग है एनस में फ्रॉग्स है वेरी इंटरेस्टिंग चेम्बर कॉल्ड क्लोएका इनमें सब सुसु पॉटी सब भर जाता है जैसे कि जो रेक्टम है जिसमें पॉटी होगी वो भी यही ओपन हो जाएगा ठीक है इवन जो आपके यूरेटर है जिसमें यूरिन होगा वो भी यही ओपन हो जाएगा तो पॉटी एंड यूरिन इन द सेम चेंबर ठीक है अब मेल्स में क्या होता है इसी से स्पर्म भी आता है तो अगर ये मेल की बात करूं मैं तो यहां से यू नो इट विल हैव स्पर्म स्पर्म प्लस यूरिन इकट्ठे नहीं दे विल टेक टर्न्स बट और यूरिन दोनों ही इससे आता है यूरेटर भी नहीं बोलते इसको यूरिनोजेटल ट्रैक्ट बोल देते हैं इसको जस्ट लाइक ह्यूमंस ह्यूमंस में भी ऐसा होता है यूरेथ्रा से स्पर्म और सुसू दोनों ट्रैवल करता है वैसे इसकी यूरेथ्रा नहीं बोलेंगे हम उसको ठीक है वी विल जस्ट से यूरेटर से यूरेटर से स्पर्म और यूरिन दोनों ट्रैवल करता है वो मैं डिटेल में बता दूंगी कहाँ कहाँ से इस पे क्वेश्चन आता है बट अच्छा फीमेल्स में क्या होगा कि ये ओवम को ले जाने के लिए एक और ट्यूब लगा देंगे सिर्फ इतना सा फर्क है फीमेल में कि यूरेटर से ही नहीं आएगा क्या कहते हैं ओवम और यूरिन फीमेल्स में ओवम अलग आएगा लेकिन मेल्स में दोनों कंबाइंड आएगा सो दिस चेंबर क्लोएका इसमें सब कुछ है सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिक्रीशन सारा डाइजेस्टिव um, सिस्टम का प्रोडक्ट एंड यूरिन सब कुछ मिल गया है वहां पे क्लोएका क्लोयका सच समझ रहे हो ये बेसिक्स स्ट्रक्चर है नाउ लिवर ऐसे ऐसे पक्षी जैसा लिवर दिखाया हुआ है तुम्हारे एनसीआरटी के डायग्राम में तो दिस इज लिवर Liver, bile करेगा जस्ट लाइक ह्यूमंस बाइल जो है जस्ट लाइक ह्यूमंस एंड बाइल विल बी इन गॉल ब्लैडर जस्ट लाइक ह्यूमंस ठीक है बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होके गॉल ब्लैडर से यहाँ नीचे जाएगा ठीक है पैंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइन रिलीज करेंगे जस्ट लाइक ह्यूमस और डाइजेस्टिव इंजाइन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगी जस्ट लाइक ह्यूम और यहाँ से पैंक्रियाज और गोल ब्लाडर की कंबाइन हो जाएगी डक्ट

देन स्टमक जो है इसका एच सी एल प्रोड्यूस करता है जस्ट लाइक ह्यूमस एंड गैस्ट्रिक जूसेज में पेप्सिनोजन वगैरह प्रोड्यूस करता है जस्ट लाइक ह्यूम तो यहाँ से खाना डाइजेस्ट हो रहा है देन काफी सारा खाना जो अंतिम डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में हो रही है जैसे ह्यूम में होता है और फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है ये रेक्टम में रेक्टम से क्लोइका में और क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर में ये मैंने येलो में यूरिनरी ब्लैडर लगाया क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर ऐसे सेपरेटली लगा होता है बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पढ़ ले हम लोग

में, में है. ठीक है तो इसकी यहाँ पे ऐसे बायोलॉब बायोलोब्ड टंग होती है ऐसे और ये स्टिकी होती है ये इंसेक्ट्स वगैरह चिपकाने के काम आती है तो तुमने वीडियोज भी देखी होंगी बहुत सारी जब ये ऐसा करके ग्रास हॉपर खा जाता है तो बाइलॉब टंग होती है और स्टिकी होती है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू टू ऑब्वियसली स्टमक तो ये तो इजी है यार माउथ से बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी से फेरिंग्स फेरिंग्स से एसोफेगस बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही है विच इन टर्न कॉन्टिन्यूज एज द इंटेस्टाइन अच्छा फिर एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन फिर वहां से रेक्टम ठीक है तो इंटेस्टाइन को डिवाइड नहीं किया स्मॉल और लार्ज में तो तुम भी मत डिवाइड करो अपने दिमाग में एंड फाइनली ओपन आउटसाइड द देखो दिस इज न्यू ह्यूमंस में कोई का नहीं है लिवर सिक्रिट बाइल ह्यूमंस की तरह स्टोर्ड इन गोल्ड ब्लड पैंक्रियाज में डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसिंग पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिल्कुल ह्यूमंस की तरह फूड इज कैप्चर्ड बाय टंग दिस इज न्यू वी डोंट हैव बाई टंग

डोडनम रिसीव बाइल फ्रॉम गोल्डर हमारे में भी डोडनम ही रिसीव करती है एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम्रियाज कॉमन बाइल कॉमन बाइल्ड लिखा है बट ठीक है, है तो आप इसको ही मानेंगे बाइल इमल्सिफाइज फैट जैसे किस प्लेस इन इंटेस्टाइन जस्ट लाइक ह्यूमस डाइजेस्टेड फूड इज एबरस फिंगर लाइक विल जस्ट लाइक ह्यूम पानी में सांस नहीं ले सकते लेकिन फ्रॉग्स ले सकते हैं मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को इतने समय तक पकड़ कर बैठेगा कई कई दिन तक पानी के अंदर तो सांस तो लेना ही पड़ेगा प्लस वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन के लिए भी पानी के अंदर जाता है ठीक तो है तो भैया वो दोनों जगह सांस ले सकता है ठीक है लैंड में भी और वाटर में भी वाटर की अगर बात करें तो उसकी स्किन से रेस्पिरेशन होती है स्किन से गैशियस एक्सचेंज होता है उसी के लिए उसके पास मॉइस्ट स्किन है गैशियस एक्सचेंज के लिए मॉइस्ट स्किन बहुत जरूरी है जैसे अर्थ में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है तो वहां पे भी मॉइस्ट स्किन है नाउ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा स्किन एक्ट एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन लैंड में आपको तीन प्रकार की रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड बक्ज रेस्पिरेशन पल्मोनरी जस्ट लाइक लंग्स जैसे हमारे में होता है लेकिन इनके लंग्स इतने वेल well डेवलप्ड नहीं होते पिंक कलर के लंग्स होते इनके दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमेशा ही चलता है चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो पानी के अंदर हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमेशा चलेगा ध्यान रखेंगे कभी नहीं रुकेगा एंड बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन इज गैशियस एक्सचेंज थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी इन फेरिंग्स सो ये जो फ्रॉग का बक्कल कैविटी है ये बक्कल कैविटी है ये बक्कल कैविटी और यहाँ पे फेरिंग्स है तो ये ग्लोटिस है तो यहाँ पे भी गैशियस एक्सचेंज हो सकता है यहाँ इस मेम्ब्रेन से भी गैशियस एक्सचेंज होता है तो इसको बक्को फेरेंजल रेस्पिरेशन बोलते हैं और लंग्स तो इतने अच्छे डेवलप्ड होते भी नहीं फ्रॉग में बक्को फेर इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स ठीक है सो लैंड पे तीनों चलेंगी और वाटर में सिर्फ एक चलेगी और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय सिर्फ क्यूटेनियस चलेगी क्योंकि जनरली पानी के अंदर होती है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन तो ऑब्वियसली पानी के अंदर तो क्यूटेनियस ही चलेगी बस यही बातें हमें एनसीआर से पढ़ लेनी है एक बार यही बातें तो याद आती हैं

रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पलरपिशन द लंग्स ऑफ इलांगेटेड पिंक कलर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ दीजन होंगे बक्ल कैविटी एंड टू द लंग्स ऑब्वियसलीस्ट्रल्स बक्कल कैविटी में बक्कल कैविटी से लंग्स में ठीक है ना ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसीयस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन ओनली आओ वैस्कुलर सिस्टम समझे फ्रॉग का ध्यान से देखो वैस्कुलर सिस्टम में बिल्कुल जैसे हमारे वैस्कुलर सिस्टम में होता है हार्ट होता है ब्लड वेसल होते हैं और ब्लड होता है लेकिन इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि तुम्हारा है तो बेचारे फ्रॉग पे रहम खाओ और ध्यान से इसका वैस्कुलर सिस्टम देख लो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं बहुत ही दुख की बात है ह्यूमंस में ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी इसलिए होते हैं ताकि ह्यूमन का आरबीसी ज्यादा जगह बना सके अपना हीमोग्लोबिन भरने के लिए एक ह्यूमन के आरबीसी के अंदर 200 से 300 सौ मिलियन पार्टिकल्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो पैक्ड होते हैं आई थिंक यही नंबर है बट आई रिमें सम हाउ फ्रॉक का तो नहीं पैक कर पाएगा क्योंकि उसके आरबीसी में क्या है इतना बड़ा तो न्यूक्लियस ही बैठा हुआ है बीच में सो so, क्यों बेचारे प्रिमेटिव है ना मैमल से प्रिमेटिव है इसलिए न्यूक्लिएटेड आरबीसी सभी मैमल्स के ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं तो ये हमने एडवांसमेंट कर दी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है दैट मीनस जो गैशेस ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसी ही कर रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रिकमेंट है ऑक्सीजन और सीओ तो को कैरी करने के लिए देन होते हैं ऑब्वियसली प्रोटेक्शन करने के लिए इम्यूनिटी के लिए और ल्यूकोसाइट्स होते हैं सॉरी प्लेटलेट्स लिखना था डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स तो एक ही चीज हो गया प्लेटलेट्स <laughs> होते हैं ठीक है इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है दे हैव लिम्फ फॉल्सू जिसमें आरबीसी नहीं होते जैसा कि ह्यूमन में होता है बिल्कुल भी आरबीसी नहीं होते ना यही चीज होती है सो so, एक तो ये डिफरेंस है मेन ब्लड में न्यूक्टेड ई न्यूक्लेटेड वाला और ब्लड में कोई मेजर डिफरेंस है नहीं ठीक है ब्लड वेसल्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है वही आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज होगा कोई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि भैया सभी वर्टिब्रेट्स का क्लोज होता है जैसे ही तुम वर्टिब्रेटा में आए सबका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑल वर्टिब्रेट्स तो ये भी सेम है ह्यूमंस और इसका हार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है हालांकि फ्रॉक का हार्ट मस्कुलर है ठीक है जैसे हमारा मस्कुलर है कार्डियक मसल्स का बना हुआ है जैसे कि हमारा कार्डियक मसल का बना हुआ है मायोजेनिक है माने इसका पेसमेकर जो हार्ट का पेसमेकर है वो मसल से ही बना हुआ है नर्व जाके नहीं इसका पेसमेकर है ठीक है दैट मीनस उसको कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल हार्ट को अपने अंदर से ही मिल रहा है अ न्यूरोन इज नॉट गोइंग टू टेल द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हार्ट के पास ये कहने के लिए कि अब प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ हार्ट का ही एक पीस है एक मसल का पीस है जो कि पेस मेकर की तरह काम कर रहा है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं हम मायोजेनिक हार्ट है जस्ट लाइक अस लेकिन चेम्बर्स का फर्क आ गया कवर्ड बाई पेरिकार्डियम जस्ट लाइक एस हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं लेकिन चेंबर्स का फर्क आ गया इट इज अ थ्री चेंबर्ड हार्ट एंड इनके पास डबल सर्कुलेशन नहीं होती दे हैव समथिंग कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तो ये डिफरेंट है डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूम uh, तो इसमें होता क्या है हार्ट में दो एट्रियम जैसे हमारे हैं वो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, है ना दिस इज लेफ्ट एट्रियम दिस इज राइट एट्रियम लेकिन इनका वेंट्रिकल बिचारों का एक ही हो पाता है सिंगल वेंट्रिकल तो पूरी बॉडी का डिऑक्शिनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है लेकिन डायरेक्टली राइट एट्रियम में कलेक्ट नहीं होता है यहाँ पे एक सा सा बड़ा सा वो होता है ऐसे समथिंग नॉट वेरी नाइस सी देखो होता ऐसे है लेकिन मैं इतना बड़ा बनाना नहीं चाहती पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड ठीक है वेना कावा से वेना कावा सबसे बड़ी वेन्स होती है वेना कावा से इस चेंबर में घुसता है ये तीन वेना कावास दिख रही है इस ट्राइंगुलर चेंबर में घुसता है जिसको साइनस विनोसिस कहते हैं फिर साइनस विनोसिस से वो राइट right एट्रियम में जाता है ठीक है तो मैं साइनस विनोसिस यहाँ पे इतने गंदे तरीके से नहीं दिखाऊंगी मैं बस यहाँ पे छोटा सा बना दूंगी ये वेना का है मान लो ये वेना का है है ना तो मैं यहाँ पे साइनस विनोसिस बना रही हूँ छोटा सा यहाँ बना रही हूँ छोटा सा साइनस विनोसिस तो आपको याद रखना है साइनस विनोसेस हमेशा वीनस ब्लड लेगा ठीक है मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वो अपना ब्लड किसमें पास ऑन करेगा दिस ठीक है वो अपना ब्लड किसमें पास करेगा राइट right एट्रियम right में राइट एट्रियम किसमें पास करेगा वेंट्रिकल में वेंट्रिकल किधर देगा ये हार्ट ये ब्लड कहां पे देगा लंग्स को लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी लंग्स कहां देंगे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बट एक दिक्कत यहां पे यह है कि इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी सेम वेंट्रिकल में ही जाएगा जिसमें डी गया था तो यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ठीक है फिर यही जो है यही जो है आगे यहां पे पंप होगा बॉडी में लेकिन ये डायरेक्टली पंप नहीं होगा यहां पे एक लाइक स्ट्रक्चर -like में पंप होगा पहले फिर बॉडी में जाएगा ठीक है इस लाइक स्ट्रक्चर्स -like को बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस कोनस अब क्या करूं मैं एनसीआरटी में टर्म दिया हुआ है तो मैं क्या करूं ना करवाऊं तुम लोगों को बोलो कुछ नहीं है ना यार एक बार आने से पहले एक अलग से चेंबर में डाल दो फिर आने को इधर दो फिर जाने से पहले एक अलग चेंबर में डाल दो फिर जाने दो दिस इज साइनस विनोसस विच विल फर्स्ट अक्यूमुलेट ऑल द डीनेटेड ब्लड देन ये हार्ट में जाएगा लेफ्ट एट्रियम में फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा फिर ये डिऑक्सीटेड ब्लड लंग्स में जाएगा फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर राइट एट्रियम में जाएगा राइट right एट्रियम से ऑक्सीजनेट होकर ऑक्सीजनेट तो हो रखा है ये वेंट्रिकल में चला जाएगा फिर वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कोनस में जाएगा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में होता है अब यहाँ पे कोनस में दोनों मिक्स दी जा रहा है यार देख रहे हो तुम दिस इज ऑल मिक्सड क्योंकि जब यहां मिक्स है तो फिर यहाँ भी मिक्स ही जाएगा इवन यहाँ पे भी मिक्स ही जाएगा जो यहाँ पे जाएगा वो भी मिक्स ही जाएगा क्योंकि सब तो मिक्स है ये वाला ब्लड भी मिक्स ही जाएगा तभी तो इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं ठीक है थेके? फिर ये एओर्टा में जाएगा दिस इज एओर्टा फिर यहाँ से छोटी छोटी आर्टरीज में चला जाएगा आर्टरी ये आर्टरी वो फिर यहाँ से ऑर्गन्स में जाएगा से कत डी ऑक्शिनेट हो जाएगा डी ऑक्शीनेट होकर फिर वेना वेनाका में जुड़ जाएगा यहां पे ऐसे ऐसे वेना कवा में जुड़ जाएगा सो दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन देखो वैसे तो डबल सर्कुलेशन है एक बार डिऑक्शिनेटेड आ रहा है फिर ऑक्सीजनेटेड आ रहा है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं क्योंकि एक वेंट्रिकल है ये वाली बात कुछ क्लियर हुई है तुम लोगों को कि सब कुछ ऊपर से निकल गया है जल्दी बोलो ये सब कुछ ऊपर से निकल गया बता दो जल्दी बोलो बता दो, दो। मैम वॉइस बहुत कम आ रही है Voice में दिक्कत यार मेरे को तो आ रही है वॉइस तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है जल्दी बोलो मैम वॉइस बहुत कम आ रही है नहीं मैंने सारे मॉक हटा दिए जो तीन मॉक मैंने रखे थे मुझे लगता है कि ये मॉक देने का समय नहीं है तुम मेरे मॉक देने आओगे तुम्हारा दो दो घंटा लगेगा ठीक है दो घंटा एक मॉक दो घंटा एक मॉक दो घंटा एक मॉक छे घंटे में क्यों तुम्हारे वेस्ट करूंगी यार लास्ट के तीन दिनों में मेरे को नहीं करना है मैंने मौक तीनों के तीनों हटवा दिए वो छः घंटे में मैं तुम्हारा रिवीजन कराने की कोशिश करूँगी जो मेरे को रिवीजन हो पाएगा वॉल वूल नहीं पूछेगा वो तुमसे आओ एनसीआरटी से पढ़ लेते हैं यही चीजें जो मैंने भी पढ़ाई है लेट्स कवर फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप ऑब्वियसली सारे वर्टिब्रेट्स का क्लोज होता है फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट ब्लड और ब्लड होता है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स होगा जस्ट लाइक ह्यूमन लिम्फ होता है, वेसल्स होती है होती हैं हैं। नोड्स हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी तीन चेंबर है दिस इज डिफरेंट रेप्टाइल्स में भी थ्री चेंबर होता है और इसमें भी थ्री चेंबर होता है लेकिन रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल ठीक है दो एट्रिया होते हैं एक वेंट्रिकल कोई तुम्हें बेवकूफ को बनाने की कोशिश कर सकता है दो एट्रिया दो क्या कहते हैं एक एट्रिया दो वेंट्रिकल बोल सकता है तो ध्यान रखना दो एट्रिया होते हैं एक वेंट्रिकल होता है इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम अब देखो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसिस का ध्यान रखो ज्वाइन द राइट एट्रियम इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड कावा सबसे बड़ी वेन्स को वेना कावा बोलते हैं द वेंट्रिकल ओपन तो वेंट्रिकल सीधा में में खुलने की जगह खुलेगा ये दोनों को याद रखो क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंस ऑफ ब्लड आ सकता है कहां से कहां जाएगा तो सीक्वेंस ऑफ ब्लड क्या है साइनस वेनोसिस राइट एट्रियम वेंट्रिकल लंग्स लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल कोनस आर्टेरियोस एटा द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाई आर्टरीज कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट एंड फॉर्म द एंडस सिस्टम ये बिल्कुल की तरह स्पेशल कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन इंटेस्ट्राचर दो चीजें हैं जैसे ह्यूम के पास पोर्टल सिस्टम तुमने सुना है वेन

इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं जब किसी का डिऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा में जाने की जगह किसी और ऑर्गन में घुस जाए इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं अब ह्यूमन के पास सिर्फ एक पोर्टल सिस्टम है कौन सा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और फ्रॉग के पास दो पोर्टल सिस्टम है कौन कौन सा देखो हिपैटिक में क्या होता है हिपैटिक दोनों में ह्यूमंस में भी है फ्रॉग्स में भी है होता क्या है इसमें इंटेस्टाइन का डिओक्शनेटेड ब्लड जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है यहां से डिओक्शी ब्लड गया और वो वेना कावा में मिलने की जगह सीधा लिवर में चला गया ठीक है उससे क्या हुआ भैया तेरे डिऑक्शिनेटेड ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज थी जो अभी डाइजेस्ट होके तूने एब्जॉर्ब करी है तो तू पहले लिवर में चले जाना ताकि यहाँ पे उसका जितनी ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज उसका ग्लाइकोजन बनाया जा सके फिर ये ब्लड आगे तू वेना कावा में छोड़ दे सो दिस इज कॉल्ड टिक पोर्टल वेन जो ये वाली वेन है ये वाली. Hepatic portal vein. तो ये वाली पोर्टल वेन तो ह्यूमंस में भी होती है ये फ्रॉग में भी है ठीक है लेकिन फ्रॉग में एक और चीज है समथिंग कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम जो ह्यूमंस में नहीं होता ह्यूमंस में सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल सिस्टम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सिर्फ एक पोर्टल सिस्टम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में दो पोर्टल सिस्टम है हिपैटिक और नहीं नहीं अरे यार मैंने गलत बोल ओह एक और भी तो होता है ह्यूमन में हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में भी होता है सो so ह्यूमन में हाइपोफाइजल और हिपैटिक दोनों होता है हाइपोफाइजिल ह्यूमन में होता है फ्रॉग में भी होता है हिपैटिक ह्यूमन में होता है फ्रॉग में भी होता है हाइपोफाइजल कहाँ पे होता है ब्रेन में होता है जब हाइपोथेलमस का डिओक्शिटेड ब्लड डायरेक्टली पिट्यूटरी के पास जाता है में बहुत सारे होते हैं किया होता है है उसने ब्लड के अंदर। वो वाला ब्लड वो वाला को दे रादर देन को देता देने। ठीक है सो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम हम दोनों के पास है हिपैटिक हम दोनों के पास है किस किस-किस के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में है रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस के पास नहीं होता लेकिन फ्रॉग्स के पास होता है किसमें होता है किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में होता है लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में होता है ये सिर्फ फ्रॉग में होगा ह्यूमंस में नहीं होगा इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा

एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन ये तो अपने को पता ही है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड इट लैक्स फ्यू और आरबीसी आरबीसी नहीं होते कुछ प्रोटीन नहीं होते द ब्लड कैरी न्यूट्रेन गैस वॉटर टू द रिस्पेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें मायोजेनिक हार्ट है मायोजेनिक हार्ट है न्यूरोजेनिक नहीं है न्यूरोजेनिक कॉक्रोच का होता है ध्यान रखो सारे वर्टिब्रेट्स का मायोजेनिक हार्ट है आगे चलो नाइट्रोजनस वेस्ट का इलिमिनेशन द नाइट्रोजनस वेस्ट का इलिमिनेशन इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो अभी सुनो मेरी मैं यही बना देती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर मैं मेल का बनाऊं तो यहां पे पेयर ऑफ किडनीज होती है इनके पास रेड कलर की पेयर ऑफ किडनीज़ है रेड कलर की जिनसे जिनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं किडनी है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह भी ह्यूमंस की तरह यहां से दो ट्यूब्स निकलती हैं, जो कि यूरिन लेके आती हैं, जिनको यूरेटर बोलते हैं बिल्कुल ह्यूमन की तरह यूरेटर लेके आती है ह्यूमन इसमें भी ह्यूमन में भी लेकिन हमारे पास सीधा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है जो हमारा यूरिन बनता है वो सीधा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यहां पे ऐसा नहीं होता यहां पे इट एंटर्स इनटू क्लोएका ठीक है यहां पे ठीक है दिस इज क्लोएकल ओपनिंग

विच इज तो हमारे से डिफरेंट कैसे हो गया दो किडनीज है हमारे पास भी दो है रेडिश कलर की बीन शेप है हमारे पास भी है ठीक है दोनों ट्यूब से यूरेटर से यूरिन लेके आती है वो भी हमारे पास भी है लेकिन हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है यूरेटर इनकी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन नहीं होती इनकी यूरेटर जो है वो एक चेंबर में ओपन होती है जिसको क्लोए बोलते हैं विच इज अमन चेंबर फॉर पॉटी कलेक्शन सुसू कलेक्शन एंड कॉमन ओपनिंग फॉर थ्रोइंग आउट दम बोथ ऑल्सो मेल जो मेल वो है फ्रॉग उसमें तो और ही अजीब चीज है उसकी यहां लगी होती है किडनी के ऊपर डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से जिसको मिजोरकियम कहते हैं टेस्टिस की स्पेलिंग गलत है आई एस लिखना चाहिए सिंगल है तो एस प्लुरल होता है ठीक है वो यहां से स्पर्म भी डालती है किडनी के अंदर यहां से पतली पतली ट्यूब से ऐसे ऐसे इन ट्यूब्स को बोलते हैं वासा एपरेंशिया अगर मेल्स की बात करें तो एसेंशियल क्या लिख रही हूं मैं वासा एपरेंशिया तो आपका स्पर्म पहले किडनी के अंदर जा रहा है फिर यहां से एक कैनाल होती है ऐसे जिसके अंदर स्पर्म जाता है ऐसे इसको बिडर्स कैनाल बोलते हैं फिर बिडर्स कैनाल इसमें ओपन होती है यूरेटर में ओपन होती है ठीक है तो दैट मीन इसमें यूरेटर में स्पर्म प्लस यूरिन दोनों जा रहा है इसलिए इसके यूरेटर को यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भैया स्पर्म का पाथवे क्या होगा टेस्टिस टेस्टिस से वासा एफरेंशिया वासा एफरेंशिया से सीधा बिडर्स कैनाल जो कि किडनी के अंदर है किडनी के अंदर है

मुझे नहीं पता कि इसमें यूरिन कैसे स्टोर होता है यहाँ से निकल के क्या कहता है पहले मैं यहाँ स्टोर हो जाता हूँ आई डोंट नो इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है बट ये इस साइड पर लगा होता है अजीब सा ठीक है अगर आप में से कोई जोअलॉजी पढ़ रहा है और आप लोगों ने अपने डिटेल्ड कोर्सेज में पढ़ाई है तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताना कि नीचे लगाने का क्या मतलब था ठीक है लेकिन इसमें जो ओवम है वो यहाँ से ट्रैवल नहीं करता ओवम के लिए टोटली अलग रूट है जैसा कि ह्यूमंस में भी ह्यूमन फीमेल्स में भी तो होता ना, pathway, pathway, rights, तो है ना फीमेल्स थोड़ी ज्यादा खुददार होती हो कहती हैं वी विल नॉट यूज द सेम पाथवे वी डोंट वांट द सेम पाथवे वी हैव अवर ओन राइट्स वी आर फेमिनिस्ट्स वी नीड अवर सेपरेट पाथवेज तो यहाँ पे ओवरीज होती हैं ये ओवरीज को कलेक्ट करने के लिए यहां पे अलग से ट्यूब्स हैं जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं दे ओपन सेपरेटली लाइक दिस इनटू द क्लोएका

और वहां पे रितु रतेवाल हजार बच्चों का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, पे 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 तुम्हें सारे मैं जो जो भी यहां पे पढ़ाती उसका पीडीएफ आपको वहां पे देती ठीक है? आओ एक बार पढ़ से। इलेमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाई वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ किडनी दो यूरेटर्स एक क्लोएका यहाँ पे पेयर ऑफ क्लोएका तो नहीं लिखना चाहिए था यार इनको पेयर ऑफ किडनीज यूरेटर सिंगल क्लोएका एंड सिंगल यूरिनरी ब्लैडर दे आर दीस आर कंपैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन अ लिटिल पोस्टीरियरली बैक साइड पे इन द बॉडी कैविटी

अंडर वॉटर सांस लेने के बाद ले, फ्रॉग के पास नहीं होते सो इज वेरी वेरी डिफरेंट इट इज फिश लाइक देखने में है ना देन इट हैज गिल्स फॉर ब्रीदिंग अंडर वॉटर तुम्हारा फ्रॉग के पास नहीं होता वो रेस्पिरेशन करके खुश रहता है अंडर वाटर देन इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है फ्रॉग और अर्थवॉर्म दोनों का यूरिया होता है क्वेश्चन बहुत बार आता है फ्रॉग अर्थवॉर्म फ्रॉग अर्थवर्म और बीच में जो कॉकरोच बचा हुआ है उसका यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक

द केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपका हॉर्मोन से होता है है ना जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम से होगा प्रोमिनेंट प्रोमिनेट वही है जो कि आपके पास है वही फ्रॉक के पास है थायरॉयड पैराथायरॉयड थाइमस पीनियल ग्लैंड पैंक्रियाटिक आइलेट्स इंसुलिन ग्लूकागोन रिलीज करने के लिए एड्रीन गोनेड्स द नर्वस सिस्टम तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसके एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ भी नहीं आपको करना है ठीक like है? नर्वस सिस्टम में आती है और जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो तुम्हारी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है कोई बहुत अजीब बात तो नहीं आप बोलो अगर तुम मुझे ये कहो कि मैम हमें तो ह्यूमंस का ही नहीं आता वो एक अलग बात है वो फिर तुम ह्यूमंस वाला अभी मैं तुम्हें नर्वस का वन शॉट कराने की कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले उसमें पढ़ो पढ़ो या लेक्चर ठीक है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरे यार सिंपल सा होता है ना इसे कैसे होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है ठीक है देन यहाँ से जो नर्व्स निकलती है उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं जो ब्रेन से निकलती है ठीक है जो यहाँ से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उनको है। इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं डीज आर क्रेनियल नर्व्स डीज आर स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर दो प्रकार का है सोमैटिक एंड ऑटोनोमस अब जैसा बिल्कुल जैसा ह्यूमंस में होता है बिल्कुल वैसा है जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होती है जो प्रोसेसिंग वाला काम है जो डिसीजंस लेते हैं बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है जो नर्व्स है उनका सिग्नल लाने का और ले जाने का काम है सो सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स ठीक है अब अगर आप सोमैटिक से सिग्नल ला रहे हो या ले जा रहे हो सोमैटिक मतलब जो आपके कंट्रोल में मान लो कोई वॉलेंट्री मसल है एग्जांपल बाइसेप्स मतलब बाइसेप्स को मतलब का नहीं को सिग्नल दे, तो दे रहे हो या उनसे रिसीव कर रहे हो जो कि आपकी वॉलंट्री विल में नहीं है जैसे कि आपके ग्लैंड्स जैसे कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि आपकी कोई स्मूथ मसल तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ गया ठीक है इसको एसएनएस बोलते हैं इसको &S बोलते हैं ये ह्यूम वाले में पढ़ो भैया ठीक है ऑटोनॉमिक सिस्टम फिर से दो प्रकार का होता है सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिकमिक नर्वस सिस्टम देर आर टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन इज इनक्लोज अच्छा ह्यूमंस में कितनी होती है क्रेनियल नर्व्स ह्यूमंस में कितनी होती है इसमें दस होती हैं तो बताओ मुझे मैसेज में बताओ जल्दी से जल्दी बोलो स में कितनी होती है भैया अगर मैं कह रही हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया ह्यूम को फ्रॉग से कंपेयर करना है तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इसमें नर्व्स हैं भाई में तो हमारे पास कितनी है 12, लो, लो, है 12 है ये ये नोट कर लो लो लिख इसकी अपनी वाली बात थोड़ी सी नोट कर लेंगे ध्यान से ठीक है ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बॉनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम हमारा भी भैया कोई ज्यादा तुम्हारा अलग नहीं हो पाया यहाँ पे द ब्रेन इज इन टू फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन जैसे हमारा होता है फोर ब्रेन में क्या होता है देखो फोर ब्रेन में एक नई चीज है जो अपन ह्यूमन ब्रेन में ज्यादा लर्न नहीं करते लोब्स ठीक है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिसफेयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफलॉन अब तुम लोगों को ह्यूमन में तुम पढ़ते हो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर और डायनसेफ्लॉन तो तुम ह्यूम में लर्न ही करते हो है ना लेकिन इसमें ऑल्फेक्ट्री लोब और एड कर लो ठीक है मिड ब्रेन में क्या होता है ऑप्टिक लोब्स हैं ठीक है हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पासिस आउट थ्रू द फॉर्म एंड एंड कंटिन्यूज स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि बिल्कुल ऐसा ह्यूमंस में होता है अब बस थोड़ा सा एक चीज़ जो याद करने के लिए जो हम इतना ज़्यादा डिटेल में ह्यूमन्स में नहीं पढ़ते ऑप्टिक लोब इसका मिड ब्रेन में है और जो फोर ब्रेन है इसमें आपका ऑलफेक्ट्री लोब है मतलब ये लेने वाला तो उल्टा है हमारी आंखें ऊपर ऊपर नाक नाक नीचे लेकिन जो जो है 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 वाले का वो वो मतलब में में आपका lobe है। और जो है, आईज वाला है, वो आपके mid brain में। थोड़ा ऐसे याद कर लो उल्टा अभी के लिए याद कर लो रट लो इसको भगवान ना करे क्वेश्चन आ जाए ठीक है आइज वाली मिड ब्रेन में है ऑप्टिक लोब नोज वाला ब्रेन में है ठीक है आगे चलो

अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे ये किडनी है ये टेस्टिस है टेस्टिस के ऊपर ये जो ऐसे बाल से बिखरे हुए हैं ये फैट बॉडीज है उसे डरना नहीं है ठीक है देन ये यूरिनोजेटल ड्रक्ट है ये क्लोएका है और ये यूरिनरी ब्लैडर है सिमिलरली यहाँ पे ये वाली किडनी है ये फैट बॉडी है ये जो ऐसे पत, पत्ता सा लगा हुआ है ये ओवरी है ये ओविडक्ट है और ओविडक्ट अलग से खुल रही है ओपन हो रही है और यूरेटर अलग खुल रहा है मैं एनसीईआरटी से रीड कर रही हूँ मैं पढ़ा पहले ही चुकी हूं तुम लोगों को ठीक है मैं डायग्राम भी बना के लाई थी ताकि तुम लोगों को क्लियरली दिख जाए ये मेल वालों का बनाया मैंने तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली फैट बॉडी नजर आ रही है जो ऐसे ऐसे वाले बाल है फिर यहाँ पे टेस्टिस नजर आ रही है वासा वासा नजर आ रही है वासा विल ओपन अ कैनाल कैनाल कॉल्ड बीटर्स कैनाल से डक्ट यूरिनोजेटल डक्ट से क्लोयका क्लोयका से बाहर ठीक है यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे नीचे की साइड है पढ़ा दू एनसीआर से so, Frogs have well organized male and female reproductive systems. Male reproductive organs consist of pair of yellowish ovoid testes. Yellow color की oval shape की testes है which are found adhered चिपकी हुई adhered मतलब चिपकी हुई to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium.

पेयर ऑफ ओवीडक्ट अराइजिंग फ्रॉम दिनोरेटली तो मतलब ओपन तो हो, हो रहा है एक क्लोयका में दो यूरेक्टर ओपन हो रहे हैं तीन क्लोयका में दो ओविडक्ट uh, ओपन हो रहे हैं चार पांच क्लोएका में एक यूरिनरी ब्लाडर ओपन हो रहा है छे और क्लोयका की खुद की ओपनिंग सात सात ओपनिंग हो गई फीमेल की क्लोयका में तो मेच्योर फीमेल पच्चीस सौ से तीन हजार प्लेस इन वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल टैडपुल जिसके पास की अमोनोटेलिज्म के तरीके हैं और गिल्स हैं टैडपुल मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस क्या होता है लार्वल स्टेज से एडल्ट बन जाना Frogs are beneficial to mankind because they eat insects and protect the crop. Frogs maintain ecological balance because they serve as important link of food chain and food web. कुछ नहीं करते तुम. Insect खाते हो बैठ के. In the ecosystem, in some countries the muscular legs of frogs are eaten by man. ठीक है जी? Question करले. Frogs are muscular legs are eaten by man. चलो बहुत बढ़िया. करो बेटा दो नीट दो हजार सत्रह का क्वेश्चन को, करो चलो चलो बेटा तुम लोग मेरी वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हो करते तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही बेचारों को वो करती रहती हूँ कर देते हो बाद में कर देते हो है ना उस टाइम नहीं करते हो जब मैं पढ़ रहे होते उस शायद पढ़ने में रहता है बाद में मैं देखती हूँ तो मुझे मिलते हैं अच्छे मैं नहीं बच्चे कर देते हैं शुरू होगा वासाशिया पर जाएगा ये गलत हो गया वासाइफरेंशिया से किडनी में जाएगा ऑब्वियसली किडनी के अंदर जाएगा किडनी के अंदर जाके बिडर्स कैनाल में जाएगा तो तूने डायरेक्टली बिडर्स कैनाल में क्यों भेजा

क्योंकि ह्यूमन का जो धड़काने वाला पार्ट है वो हार्ट के अंदर ही सिचुएटेड है ऐसे नोड बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक सेम इज विद फ्रॉग सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉर पोइकिलोथर्म से क्या लेना देना इस बात के लिए मतलब फ्रॉग इज पोइकिलोथर्म बट इसका कोई लेना देना नहीं ना यहाँ पे ये एंड ये दोनों ही सही है मायोजेनिक है ठीक है दैट मींस कि मस्कुलर पार्ट ही उसको एक्साइट कर रहा है एंड ऑटो एक्साइटेबल है खुद से ही एक्साइट हो रहा है तो दोनों थ्री एंड फोर आंसर होना चाहिए 2012 कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमंस द इरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग्स आर

ये आंसर है न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्योंकि ये दोनों में नहीं है है ना हाँ कथांशी आ जाओ आगे यूरिटर्स एक्ट एज यूरिनोजेटल इन मीन दो हजार ग्यारह मीन्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पीडीएफ नहीं मिला आपको बेटा पता नहीं मैंने तो बोला था कि भेज दो टल डक्ट किस में होता है मेल्स में भी होता है ह्यूमन मेल्स में भी होता है यूरिनोजेटल ही होता है क्योंकि दोनों की ओपनिंग यही है जेनिटल्स की और उसकी दोनों की ओपनिंग सेम ही होती है मेल मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स फ्रॉग्स अच्छा सॉरी 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 यूरेटर सॉरी सॉरी ह्यूम में नहीं हो सकता भैया यूरेटर थोड़े भी ह्यूमन में तो यूरिथ्रा होता है ना दोनों का तो मेल फ्रॉग्स आंसर आएगा मेल एंड फीमेल फ्रॉग नहीं हो सकता ह्यूमन फीमेल नहीं हो सकता Ureth, मैंने गलती क्या कर दी मैंने सिर्फ यूरिनोजेटल डक पढ़ा मैंने ये नहीं पढ़ा कि यूरिटर यूरिटर थोड़े बहुत एक्ट एज तो उसमें मेल फ्रॉग आंसर आ गया ठीक है मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पीछे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ रैट रूट सब आ गया कोई जरूरत नहीं है बहुत पुराना क्वेश्चन है

अगर कोई रिकॉर्डेड सेशन देख रहा होगा तो भैया स्पीड ज़्यादा करके देखना ठीक है वन पॉइंट फाइव एक्स करके देखना चलो एल सी यू नेक्स्ट सेशन जब भी बना पाती हूँ मैं देखती हूँ आज क्या पढ़ा पाऊँगी और अगर कुछ पढ़ा पाऊँगी तो तो मैं एक और सेशन आज बनाने की कोशिश करती हूँ ठीक है बाय